नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 4 दिसंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। ठेका पर काम करने वालों को जल्द ही मिलेगा पीएफ और ईएसआईसी का लाभ। बिजली विभाग में ठेका पर काम करने वालों के लिए खुशखबरी। ठेका पर काम कर रहे कर्मियों को जल्द ही पीएफ और ईएसआईसी का लाभ मिलने वाला है, लेकिन पीएफ और ईएसआईसी को पाने के लिए सभी कर्मियों को आधार कार्ड से सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। सत्यापन के बाद ही कंपनी के अंदर काम कर रहे कर्मियों को पीएफ और ईएसआईसी का लाभ मिल पाएगा। शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए 37,500 शिक्षकों को दी जाएगी ट्रेनिंग। बिहार में सभी प्रारंभिक कक्षाओं के शिक्षकों को जल्द ही सरकार नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट के तहत ट्रेनिंग देने की कवायद तेज कर रही है, जिसके तहत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने NCERT और SCERT के सहयोग से सभी शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए मास्टर शिक्षकों को तैयार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के इस योजना के तहत 37,500 शिक्षकों की ट्रेनिंग कल यानी कि 5 दिसंबर से शुरू कर दी जाएगी। नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन के प्रावधान को लेकर जवाब तलब करने का आदेश दिया है। दरअसल राज्य सरकार द्वारा सभी नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड के पदों पर प्रमोट करने के लिए पूर्व नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाने पर 24 जनवरी को राज्य सरकार को स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। पटना मेट्रो के निर्माण कार्य की रफ्तार में हो सकती है बढ़ोतरी। पटना वासियों के लिए खुशखबरी। पटना में मेट्रो निर्माण में और ज्यादा तेजी देखी जा सकती है। खबरों के अनुसार पटना मेट्रो को जल्द ही जापान की कंपनी जायका से 5400 करोड़ का लोन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे कि पटना मेट्रो के निर्माण कार्य में रफ्तार मिलने की उम्मीद भी जताई जाने लगी है। ज्ञात हो हाल ही में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को केंद्रीय शहरी व आवास मामलों के मंत्री से मुलाकात के बाद ये बातें सामने आई है। दिल्ली में बिहार की बेटी ने दिखाया अपना दमखम। दिल्ली NCR में बिहार का बोलबाला देखने को मिला, जहां पर विजनर ग्लोबल मिस इंडिया 2019 प्रतियोगिता में बेस्ट फोटोजेनिक फेस का अवार्ड बिहार के पटना की रहने वाली सुचिता सिंह को मिला। सुचिता ने अपने इस जीत से न सिर्फ अपना नाम रोशन किया है, बल्कि बिहार का नाम भी रोशन किया है। जीत के बाद बिहार की सुचिता को सैश और क्राउन से सम्मानित किया गया। PCSJ परीक्षा में उत्तीर्ण होकर काशी की बेटी बिहार में बनेगी जज। काशी की आरती उपाध्याय ने बिहार के PCSJ की परीक्षा पास कर ली है, जिसके पश्चात अब काशी की बेटी बिहार में जज की कुर्सी संभालने जा रही है। ज्ञात हो आरती ने अपने स्नातक की पढ़ाई BHU से की थी, वहीं अभी वह अपनी LLB की पढ़ाई कर रही है। एक बार फिर शिक्षक नियोजन की तारीख में की गई बढ़ोतरी। सभी नियोजित शिक्षकों की समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। शिक्षक नियोजन की तारीख में एक बार फिर बदलाव किया गया है। अब यह तारीख 31 मार्च 2020 तक कर दी गई है, मगर अभी भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जारी किए गए इस तारीख में किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाएगा। वहीं नियोजन की प्रक्रिया में देरी होने से स्कूल के हेडमास्टर का कहना है कि किसी तरह छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आगे शिक्षकों की कमी के चलते पढ़ाने में मुश्किल है। BPSSC ने प्रवर्तन अवर निरीक्षकों के लिए निकाली रिक्तियां। BPSSC ने प्रवर्तन अवर निरीक्षक के लिए 212 पदों पर रिक्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके तहत इच्छुक अभ्यर्थी 6 जनवरी 2020 तक www.bpssc.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इस बार के सरस मेला में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। पटना के गांधी मैदान में सरस मेला का आयोजन किया गया है। इस साल के सरस मेला में घूमने आने वालों को काफी कुछ खास देखने को मिलने वाला है। बांसों और मकई के छिलकों से बने रंग बिरंगे फूल मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए। वहीं असमिया टीक और स्टील फ्रेम से बना 85,000 का झूला मेले में 4 चांद लगा रहा है। वहीं इस मेले में खान पान की भी काफी व्यवस्था है। राजस्थानी चूरमा बाटी से लेकर लिट्टी चोखे और मशरूम की पकौड़ी मेले में आए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। 353वें प्रकाश उत्सव पर निकाला जाएगा नगर कीर्तन। नए साल पर इस बार काफी कुछ खास देखने को मिलेगा। गुरु गोविंद के 353वें प्रकाश उत्सव पर तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब से नए साल के शुभ अवसर पर नगर कीर्तन निकाला जाएगा। ज्ञात हो इससे पहले 21 दिसंबर से पूरे 11 दिन के लिए प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जो कि 31 दिसंबर को खत्म होगी। उसके बाद अगले दिन 5 किलोमीटर लंबा नगर कीर्तन निकाला जाएगा। जन्मदिन या सालगिरह का दिन अब हो सकता है आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट पर। अगर आप अपने जन्मदिन की तारीख या सालगिरह के दिन को अपने वाहन के नंबर प्लेट पर लिखवाना चाहते हैं, तो अब इसके लिए ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। ना ही आपको अपने मनचाहे नंबर के लिए परिवहन विभाग के दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत है। अब आप घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं, साथ ही अपना मनचाहा नंबर अपने नाम करवा सकते हैं। शिवांगी की उपलब्धि पर गर्वान्वित है माता पिता।
पहली नौसेना महिला पायलट बनी शिवांगी ने अपने माता पिता के नाम के साथ राज्य का नाम भी रोशन किया है। यह उपाधि और ज्यादा तब खास हुई जब अपने माता पिता के सामने कोची नेवल बेस कैंप में पासिंग आउट परेड के बाद शिवांगी ने ड्यूटी ज्वाइन किया, जिसके पश्चात खुशी में झूम रहे शिवांगी के पिता ने कहा कि मुझे अपनी बेटी पर नाज है, उसने हमें पूरे देश में एक नई पहचान दी है जो कि किसी भी पिता के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। लालू के लिए एक साथ आगे दोनों भाई, पार्टी अध्यक्ष के लिए लालू यादव ने नामांकन भर दिया है। लालू का नामांकन भरने उनके दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव समेत कई नेता पहुंचे। नामांकन के बहाने ही से दोनों भाई एक जगह पर एक साथ खड़े दिखे। दोनों अपने पिता लालू यादव की अनुपस्थिति में नामांकन करने पहुंचे। आपको बता दें, निर्विरोध लालू प्रसाद यादव पार्टी अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अब आइए जानते हैं बिहार के इस जाने माने हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा की। शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म बिहार के पटना साहिब में हुआ था। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पटना साइंस कॉलेज से की थी, जिसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा अपना करियर फिल्मी दुनिया में बनाने मुंबई रवाना हो गए, जहां पर शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्मों में काम करने का मौका मिला। शत्रुघ्न सिन्हा को सबसे पहले देवानंद की प्रेम पुजारी में काम करने का मौका मिला, जिसके बाद से उन्हें कई फिल्मों में छोटे छोटे किरदारों को निभाने का मौका मिलता रहा। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा कई फिल्मों में मुख्य किरदार भी निभाते नजर आए। कुछ समय बाद शत्रुघ्न सिन्हा अभिनेता का रास्ता छोड़कर नेता बनने की राह पर निकल पड़े, जहां उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी, जिसके बाद उन्होंने भाजपा का हाथ थामा था, मगर अब एक बार फिर वो कांग्रेस पार्टी के साथ राजनीति में सक्रिय हैं। बिहार शरीफ के हिरण्य पर्वत पर आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार शरीफ का हिरण्य पर्वत रमणीक स्थानों में गिना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहाड़ी के एक छोर पर आपको मकबरा देखने को मिलेगा, वहीं दूसरे छोर पर काफी पुराना एक हनुमान मंदिर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही हाल ही में यहां शिव मंदिर का भी निर्माण किया गया है। सरकार जल्द ही इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी में जुट गई है। ऐसी मान्यता है कि इस पर्वत पर कभी 1000 विद्वान और बौद्ध विद्यार्थी रहा करते थे। मकर संक्रांति के समय में इस पहाड़ पर लोगों का मजमा देखने को मिलता है। जल जीवन हरियाली के तहत कई परियोजनाओं का किया गया शिलान्यास। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 दिन की यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसके तहत इन 4 दिनों में वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 4 दिवसीय यात्रा के पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिम चंपारण पहुंचे, जहां जल जीवन हरियाली अभियान के तहत उन्होंने 132.7 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ज्ञात हो जल जीवन हरियाली यात्रा विभिन्न चरणों के 20 जनवरी तक समाप्त होने की संभावनाएं हैं। तेजस्वी ने भाजपा पर कसा तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन विपक्षी पार्टी पर तंज कसते नजर आते हैं। भारतीय रेलवे की दिन प्रतिदिन गिरती हालत को देखकर एक बार फिर तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट के जरिए भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि सभी भाजपाई नेता बकौल है। हमारी सरकार के समय तो रेलवे की ऐसी परिस्थिति नहीं थी जैसी अभी है। ईमानदारों की सरकार में रेलवे घाटे में कैसे चली गई? ठोको ताली और बोलो भारत माता की जय। पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। देश के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 135वें जयंती पर देश भर के नेताओं ने अपनी श्रद्धा सुमन व्यक्त की है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आयोजित राजकीय समारोह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल फागू चौहान, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, कृष्ण नंदन वर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे। LNMU चुनाव में ABVP ने दर्ज की अपनी जीत। बेगूसराय जिले के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में हुए छात्र संघ चुनाव में ABVP ने 79 पदों में से 54 पदों पर जीत हासिल की है, जिसके पश्चात अभी ABVP कार्यकर्ता में खुशी का माहौल बन गया है। वहीं इस जीत पर बेगूसराय के सांसद और भाजपा के फायर ब्रांड के नाम से मशहूर गिरिराज सिंह ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। तेजस्वी निकलेंगे बिहार की यात्रा पर। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी यह ऐलान किया है कि खरमास के बाद राजद अपनी बिहार यात्रा का शुभारंभ करेगा, यानी कि मकर संक्रांति के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजद की नई टीम का गठन करेंगे, जिनके साथ वो बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। 3 बोरी प्याज बेचने सड़क पर उतरे जा प्रमुख पप्पू यादव। जा प्रमुख पप्पू यादव आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटते हैं तो कभी हाथों में फॉगिंग मशीन लेकर गली गली उसका छिड़काव करते हैं, मगर इस बार पप्पू यादव प्याज का बोरा लेकर सड़क पर उतरने के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल इन दिनों बिहार समेत कई राज्यों में प्याज की कीमत आसमान छू रही है। ऐसे में लोगों को आधे दाम में प्याज मुहैया करवाने के लिए पप्पू यादव ने नई पहल शुरू की है, जिसके तहत पप्पू यादव 2 बोरी प्याज लेकर भाजपा और लोजपा कार्यालय के सामने ठेला लगाकर बैठ गए हैं।
भारत में बन रहे दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का होगा भव्य उद्घाटन। गुजरात के अहमदाबाद में 1,10,000 के दर्शकों की क्षमता वाले सरदार पटेल स्टेडियम का निर्माण की संभावना मार्च तक पूर्ण हो जाने की जताई जा रही है और इसी वजह से इसके भव्य उद्घाटन मैच की तैयारी शुरू कर दी गई है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली इस विशाल स्टेडियम को ऐतिहासिक बनाने के लिए स्टेडियम में पहला मुकाबला एशिया एकादश और वर्ल्ड 11 के बीच करवाने के लिए कमर कस रहे हैं और इसके लिए आईसीसी की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि स्टेडियम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण जनवरी 2017 में शुरू किया गया था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 3 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,630 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,540 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 47,700 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.69 रुपए प्रति लीटर था, वहीं डीजल 71.29 रुपए प्रति लीटर था। अब आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही ठंड दिन और रात के समय में महसूस होगी। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में मौसम पूरे दिन सामान्य रहेगा। वहीं दिन ढलते ढलते आपको ठंड का असर भी दिखने लगेगा। अब रेलवे के जनरल डिब्बे में भी मिलेगा कंफर्म सीट। अगर आप रेलवे के जनरल डिब्बे में यात्रा करते हैं तो आपके लिए अहम सूचना। जनरल डिब्बे में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है, अब जनरल डिब्बे में भी यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलेगा। रेलवे ने एक नई पहल की शुरुआत की है जिसके तहत आपकी सीट का नंबर आपके फोटो के साथ आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा। बताया जा रहा है कि इससे प्लेटफॉर्म पर लंबी लाइनों के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी और सीट के लिए किसी को किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो अब चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, सरकार के हर घर नल जल योजना कितनी कारगर है? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारे व्यूअर्स के लिए अहम सूचना, हमारे द्वारा दिए जा रहे गिव अवे में इस वीक आपको कुछ खास मिलेगा। तो हमारे वीडियोस को देखते रहें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।